खबर फरुखाबाद जनपद से, जहां भाजपा ने मोनिका यादव को समर्थन दिया, जिसके बाद मोनिका यादव की सपा को अलविदा कहने की बात सामने आई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीते चार जिला पंचायत सदस्य मोनिका यादव के पक्ष में मतदान करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता ने मोनिका यादव को पत्र जारी कर बताया कि मोनिका के आग्रह करने पर निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका यादव को भाजपा ने समर्थन दे दिया है। शुक्रवार को मोनिका यादव के सपा को अलविदा कहने की बात सामने आई है। उसके थोड़ी देर बाद ही भाजपा ने मोनिका यादव के पक्ष में समर्थन पत्र जारी कर दिया। मोनिका यादव को लिए गए पत्र में जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता ने कहा, आपके द्वारा दिनांक 11/6/2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्टी से लिखित समर्थन दिए जाने पर जिला क्षेत्र प्रदेश नेतृत्व में विचारों उपरांत आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्टी द्वारा समर्थन देने का निर्णय लिया है। अब इसके बाद पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक एवं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह यादव की पुत्री मोनिका यादव का भाजपा के समर्थन से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा जाना तय हो गया है।